रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा भारी, अब मिलेगी 10 साल की सजा और जुर्माना भी। इसरो की बड़ी कामयाबी, चांद पर मिली ऑक्सीजन, अब सतह पर हाइड्रोजन की तलाश जारी। सीबीआई ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले में दर्ज किया केस, 830 फर्जी संस्थानों के इस योजना का लाभ लेने का आरोप। सिर्फ जेनरिक ही नहीं, नई दवाओं की खोज का भी हब बनेगा भारत, नई फार्मा रिसर्च पॉलिसी सितंबर में हो सकती है लागू। एनएसजी के सुरक्षा घेरे में होगा G20 शिखर सम्मेलन, आतंकी व ड्रोन हमले सहित सभी खतरों से निपटने की तैयारी। बिहार के स्कूलों में घटी छुट्टियां, गिरिराज का आरोप, कल संभव है शरिया लागू हो और हिंदू पर्व मनाने पर लगे रोक। लोकसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड करेगा प्रेस वार्ता, दोपहर 12 बजे प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र पटेल करेंगे वार्ता। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज, विरोध में यूपी बार काउंसिल ने हड़ताल का किया ऐलान, दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। सीएम योगी कन्या सुमंगल योजना के लाभार्थियों से करेंगे संवाद, 11 बजे लोकभवन सभागार में होगा कार्यक्रम। मित्र देशों के लिए भारत ने दिखाई दरियादिली, विशेष संबंधों के तहत सिंगापुर में निर्यात किया जाएगा चावल। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।